और हमारे हमारा जो देश है वो किसान प्रधान देश है तो किसानों की तरफ तो ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और अगर किसानों को भी उद्योग से जोड़ा जाएगा तो कहीं ना कहीं सारे जो हमारे किसान भाई हैं उनका भी उसमें विकास होगा और देश का भी विकास होगा जब उन्हें उद्योग नीति और किसानों को दोनों को जब प्लस करके जोड़ा जाएगा तो उसका बहुत फायदा मिलेगा उन्नीस में एक आंदोलन चला उज्जैन में क्या इतनी इंडस्ट्री नहीं चाहिए हम तो परेशान हो गए क्योंकि उज्जैन का स्वभाव अलग टाइप का है लेकिन ये बड़ा उज्जैन का एक इतिहास भी है लेकिन वो काल का प्रभाव और वो जो कष्ट उसने हमने एकदम ऐसा देखा कि फिर जहाँ इंडस्ट्रियों की भरमार हो गई वहाँ इंडस्ट्री के लिए तरस गए लेकिन अब वापस परमात्मा की दया से नया युग आया बाबा महाकाल ने हमारी सुन भी ली है और एक जिस ढंग का एहसास हुआ है एक साथ किसी भी शहर को उद्योगमय बनाने के लिए विकास करने के लिए जो जो अनुकूलता चाहिए कमो भे शरद जी मानी दत्तीगांव जी अब आप तो उज्जैन इंदौर में कोई फर्क ही नहीं आपको जब भी अगर बदनावर से जाना है तो उज्जैन के आसपास जो मास्टर प्लान में चौदह ब्रिज मिले वो हमारे अपने आने वाले दस पाँच साल पहले जो उज्जैन आया है वो निगहानी ठहरती उसको लगता है ये वही उज्जैन है क्या मंत्री जी मैं बताना चाहूँगा कि हमने अपने एजुकेशन सेक्टर में भी बहुत सारे बदलाव एकदम ऐतिहासिक किए पूरे देश का एकमात्र उच्च शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश हो गया है जिसने एग्रीकल्चर के लिए अपने सभी विश्वविद्यालय को मान्य कर लिया अब हमारे 16 ही विश्वविद्यालय में वो कृषि संकाय पढ़ा सकेंगे हार्टिकल्चर पढ़ा सकेंगे जो कृषि आधारित हमारा प्रदेश तो ये फूड इंडस्ट्री को बढ़ावा अपने आप मिलेगा उससे जुड़े हुए लोग भी रहेंगे और जो यहाँ आकर के करना चाहे या अपना खुद का फार्मिंग करना चाहे जो जिस प्रकार के वेटनरी के क्षेत्र में जाना चाहे वो सारी संभावना अपने आप बनती तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ और इसके साथ साथ ये जो आगे जा करके मेडिकल का भी हम इसी में हिस्सा लेने वाले हैं अब अपना हर एक विश्वविद्यालय अपना मेडिकल कॉलेज चलाएगा उस पैरा मेडिकल कोर्स करेगा नर्सिंग कोर्स हर एक वो रोजगार के साधन वाला कोर्स जिसके माध्यम से हमको किसी की तरफ देखना नहीं पड़े मोदी जी ने जो बात कही है कि आ, आपदा में अवसर आत्मनिर्भर भारत वोकल फॉर लोकल लोकल फॉर ग्लोबल माननीय मोदी जी का और नरेंद्र गडकरी जी का कि जो एक अरसे से हम चाहते थे कि मध्य प्रदेश लॉजिस्टिक्स हब के रूप में उभरे वेयरहाउसिंग हब के रूप में उभरे मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क के लिए इंदौर और भोपाल रीजन्स को गडकरी जी ने सेलेक्ट किया है और भारतमाला परियोजना में ये बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होगा ये कैटलिस्ट के रूप में काम करेगा मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आपको जान के खुशी होगी कि नॉट अ सिंगल डे मैन लॉस पूरे कोरोना काल में हमने होने दिया हमने इंडस्ट्री को नहीं रुकने दिया उस इंडस्ट्री का भी मैं आभारी हूँ धन्यवाद मानना चाहूँगा जो ऑक्सीजन बेस्ड थी उन लोगों ने अपना इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन हमें मेडिकल ऑक्सीजन की यूजेज के लिए दिया हम लाखों लोगों की जान बचा पाए अभी अभी हमने एथनॉल पॉलिसी हमारी रिलीज होने वाली है आप जब उसको देखेंगे तो आपको काफ़ी पसंद आएगी हम ई पॉलिसी भी लाने जा रहे हैं ये जो फ्यूचरिस्टिक ये फ्यूचर है ये ये जो जो मैं इंडस्ट्री बता रहा हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टारगेट है फॉसिल फ्यूल्स बायो फ्यूल्स का मिक्स हमें ट्वेंटी परसेंट पर ले जाना है वी आर करेंटली एट अबाउट फाइव परसेंट हमारे पास पंद्रह परसेंट का गैप है काफ़ी है बहुत सारा अवसर है बहुत सारे